17th IFA awards hain. Adult ho gaya hai ye. Is baar how are you going to make it larger than before? How it is going to be like? By trying to do my best, I think. Then the rest of it is all in the audience's hand. If they like my performance, I think what I can do is just give it my 100%. जो एक्ट संजय सर ने हमारे कोरियोग्राफर हैं उन्होंने सेट किया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. तो अभी रिहर्सल्स शुरू किए हैं, आज मेरा दूसरा रिहर्सल था. तो उम्मीद है कि हार्डवर्क के साथ लोगों को पसंद आएगा. ओके कौन सा गाना है, क्या है, कुछ तो हिंट दो. आई थिंक कि वो मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ अभी नहीं बताऊँगी, बट आई थिंक फॉर द शो डे वील कीप दैट एज अ मिस्ट्री एलिमेंट. ओके अच्छा, आईफा इज एसोसिएटेड विद यूएन फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विद बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. हमने भी रेड एफएम पर मुंबई की प्लास्टिक सर्जरी की मलिष्का के साथ, आपने डेफिनेटली सुना होगा. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? आई थिंक इट्स अ रियली फैंटास्टिक इनिशिएटिव. आई थिंक बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव. हम सबको इसे फॉलो करना चाहिए जितना भी हम कर सकते हैं. ऑफकोर्स मेरे हिसाब से टू कम्प्लीटली रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम योर लाइव्स ड्रास्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे, इफ़ वी ट्राई आवर बेस्ट एंड इफ़ यू नो स्टेप बाय स्टेप वी स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रिक्ट विद आवर ओन प्रैक्टिस, देन आई थिंक इट्स वेरी पॉसिबल. क्योंकि हमारे हमारी दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे हम आई थिंक काफ़ी सारे वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो रहे हैं, जहाँ से लोगों को जानकारी मिल रही है कि प्लास्टिक किस तरह से हमारे देश को, हमारे दुनिया को ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे. तो आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक एज वेल. ओके ओके आईफा अब 10 साल बाद बैंकॉक आ रहा है. फर्स्ट टाइम भी तभी वहीं पर हुआ था, तो आपकी कोई मेमोरीज हैं? आप फर्स्ट टाइम पर वहाँ पर थी? नहीं, मैं वहाँ पर तो नहीं थी एक्चुअली. अभी मैं 3 साल बाद दोबारा आईफा के स्टेज पे परफॉर्म करने वाली हूँ. तो लास्ट टाइम मैंने सुभाष घई जी के लिए ट्रिब्यूट किया था, जो बहुत ही स्पेशल था बिकॉज ही इज सच अ लेजेंडरी फिल्म मेकर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, ख़ास करके क्योंकि आईफा का जो प्लेटफॉर्म है वो ग्लोबली इंडियन सिनेमा को लेके जाता है. तो आई थिंक वो बहुत ही बड़ी खासियत है. ओके इस बार आईफा में आप किसको जीतते हुए देखना चाहोगे? आई थिंक जो भी डिज़र्व करता है डेफिनेटली उसे जीतना. डेफिनेटली आई विल से हूएवर डिज़र्व्स इट शुड विन इट. यस अच्छा, इस साल के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या है जो आप बताना चाहोगे? लाइक दिस इज व्हाट यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट. आई एम एक्चुअली मोस्ट एक्साइटेड अबाउट रेखा जी इज परफॉर्मेंस फॉर आईफा. आई थिंक शी इज़ गोइंग टू सेट द स्टेज ऑन फायर एंड आई थिंक I'm for the whole world. I think everyone will be so excited to see Rekha perform on stage live. I think after many years she's coming on stage, and but she looks as gorgeous as ever, and her aura is as amazing as ever. So I'm very excited about that. We are also excited about your performance. Well, thank you. All the very best. Thank you so much.